धनबाद के गोविंदपुर में आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों युवाओं ने भाजपा का दामन थामा। मौके पर सांसद पशुपतिनाथ सिंह मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा का पट्टा पहनाकर युवाओं को पार्टी में शामिल कराया। मौके पर अब की बार 400 पार के नारे भी लगे। दर्जनों युवाओं को भाजपा में शामिल करवाने के लिए भाजपा नेता पप्पू विश्वकर्मा समेत कई युवा नेताओं ने कई दिनों से मेहनत की थी। इसके बाद मौके पर पहुंचे सांसद ने युवाओं को संबोधित किया और कहा कि एक और यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर मोदी जी के द्वारा इतिहास लिखा जा रहा है, वही सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर युवा भाजपा का दामन थाम रहे हैं, ये सुखद संकेत है। वही स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा फ्लाईओवर निर्माण एवं अवैध बैरिकेडिंग हटाने की मांग पर उन्होंने कहा कि लोगों को परेशानी भी ना हो, लोगों का घर व्यवसाय न उजड़े और एलिवेटेड फ्लाईओवर बने, इसका प्रयास उनकी तरफ से जारी है। बहुत जल्द अवैध बैरिकेडिंग को भी खुलवाने का काम किया जाएगा। देखिए, एक देश की जनता का टुकड़ा तीनों दिन मोदी सरकार से बोलता जा रहा आप या चरम सीमा पर उनके प्रसिद्धि या उनका व्यक्तित्व उनका पहुंचा, या आज अरब देश में भी भव्य मंदिर बनाकर और उसका भी आज जो है पूजा कर और लोकार्पण कर रहे, तो यह मुस्लिम देश बिल्कुल, और मुस्लिम देश ने भी सुनकर मोदी जी एक बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी सराहना वहाँ के सहारे ने भी किया है इनके क्रियाकलापों का। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर सरस्वती पूजा के दिन या शुभ दिन, जो खास कर नवयुवकों के लिए सबसे बड़ा पूजा माँ सरस्वती का है, और उस दिन इन्होंने संकल्प लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों और इसी को शामिल कराने के लिए हम लोग यहाँ ऊपर कुछ मांगे रखी हो रहा है, लोगों को कोई नुकसान न हो और सड़क भी बने, दोनों सामंजस्य कर गोविंदपुर के लिए योजना पर। सर, फ्लाईओवर कब तक बन जाएगा गोविंदपुर में? यह दोनों का सामंजस्य कर, यह नहीं कि पूरा बाजार क्षतिग्रस्त हो जाए, यह सामंजस्य करने में विलम्ब हुआ है और इतना दिन से यह काम तो 3-4 वर्ष पूर्व हो गया होगा, लेकिन आप भी जानते हैं, यहाँ के लोग भी जानते हैं कि यहाँ के लोगों को क्षति न हो और यह सड़क बने, नहीं तो नुकसान करके क्षति की सड़क न बने, इसकी मांग यहाँ के जनता का। चलिए,